छत्तीसगढ़ के नंबर वन बुलेटिन में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं हूं अंशिका पाठक। आपको दिखाते हैं बड़ी खबरें तेज अंदाज में। बिलासपुर से सबसे पहले बात करेंगे बड़ी खबरों की, जहां सरकारी स्कूल में धर्मांतरण का खेल चल रहा था और बच्चों को देवी देवताओं को ना मानने की शपथ दिलाई जा रही थी। प्रिंसिपल रतनलाल शपथ दिलाते कैमरे में कैद हुए हैं। सरकारी प्राथमिक स्कूल भरारी का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। 22 जनवरी का ये वीडियो है। प्रिंसिपल के खिलाफ ग्रामीणों में काफी ज्यादा गुस्सा देखने को मिल रहा है, क्योंकि धर्मांतरण का ये खेल चल रहा था और वो भी 22 जनवरी को, जिस दिन रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में पूरा देश जो है भक्ति में डूबा हुआ था, उस वक्त यहाँ पर धर्मांतरण का ये काला खेल, जिसके बारे में अब पता चल चुका है और फिर ग्रामीणों में काफी ज्यादा आक्रोश और गुस्सा देखने को मिला। विष्णु और महेश को कभी ईश्वर नहीं मानूंगा, कभी ईश्वर नहीं मानूंगा, तथा मैं ना उनकी पूजा करूंगा। मैं राम और कृष्ण को ईश्वर नहीं मानूंगा। तथा उनकी पूजा कभी नहीं करूंगा। मैं गौरी गणपति आदि हिंदू धर्म के किसी भी देवी देवताओं को नहीं मानूंगा। तथा उनकी पूजा करूंगा। ईश्वर ने अवतार लिया इस पर मेरा विश्वास नहीं। मैं ऐसा कभी नहीं मानूंगा कि भगवान विष्णु बुद्ध के अवतार हैं। ऐसे प्रचार को मैं पागलपन और झूठा प्रचार समझता हूँ। मैं श्राद्ध कभी नहीं करूंगा तथा न ही कभी पिंड दान करूंगा। प्राथमिक शाला भरारी के शिक्षक के द्वारा हिंदू धर्म और देवी देवताओं के ऊपर टिप्पणी की गई है। बच्चों को कुछ धर्म के खिलाफ भड़का रहा था, ऐसा शिकायत आया है। पूर्व में भी शिक्षक का शिकायत आया था, उस समय भी जांच के लिए बोला गया था, लेकिन अगर उसके द्वारा ऐसा किया गया है तो ये बहुत ही गलत है। तत्काल अधिकारियों को निर्देशित किया जाएगा, उनके ऊपर जांच कराकर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो ये पूरा मामला जो है धर्मांतरण से ही जुड़ा हुआ है, क्योंकि यह शपथ दिलाई जा रही है सनातन धर्म के देवी देवताओं को लेकर, ईश्वर को लेकर। ये बताया जा रहा है कि ऐसा कोई है ही नहीं इस दुनिया में। हमारे साथ टीआर साहू डीईओ जुड़ गए हैं। टीआर साहू जी, बहुत स्वागत है न्यूज 18 पर। काफी ज्यादा गुस्सा और आक्रोश ग्रामीणों में है इस वीडियो को देखने के बाद, हमारे अंदर भी गुस्सा कि आखिर यह हक किसने दिया इस प्रिंसिपल को कि इस तरह के वचन दिलाए। नहीं, उनको जी हमारी ओर से कोई ये नहीं दिया गया है, जो भी है जानकारी लेकर कार्रवाई किया जाएगा। आपको इस बारे में कब जानकारी लगी? जानकारी अभी पूर्ण रूप से मुझको हुआ नहीं है, ऐसे ही हल्का फुल्का ऐसी जानकारी हुआ था। जी, लेकिन सवाल ये है साहू जी कि यहाँ पर कक्षा के छोटे छोटे कक्षा के जो बच्चे हैं वो पढ़ते हैं, छोटे छोटे क्लासेस के बच्चे पढ़ते हैं, उनको अगर इस तरह की सीख दी जाएगी तो भविष्य में क्या होगा? क्या ये हक उन्हें दिया गया है स्कूल की तरफ से, या फिर आप डीईओ होने के नाते आप इस बात की स्पष्टता दीजिए कि उन्हें यह हक किसने दिया है कि किसी भी देवी देवताओं के अगेंस्ट जाके बातें बोले, वो बच्चों को बताएं, वचन दिलवा रहे हैं कि उन्हें पूजा करना या फिर उन्हें इस धरती पे मानना पागलपन है। जी, कोई इधर शिक्षा विभाग से कोई उनको कोई आदेश नहीं दिया गया है और न ही इस प्रकार की गतिविधि करना चाहिए। इस संबंध में जानकारी लेंगे और जो दोषी पाए जाएंगे उन पर कार्रवाई किया जाएगा। किस तरह का एक्शन लेंगे आप? अब किस प्रकार से प्रकरण है उसको जांच करवा कर देखते हैं मैडम, उसके बाद बताएंगे। 22 जनवरी का वीडियो बताया जा रहा है, क्या अब तक आपको नहीं पता चल पाया आज 27 जनवरी है?
जी वीडियो मैं नहीं देख पाया हूँ मैडम, मुझे मिला नहीं है वीडियो देखकर उसके बारे में बताऊंगा। चलिए उम्मीद करते हैं आप वीडियो देखेंगे और उचित कार्रवाई भी करेंगे। विक्रम सिंह जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, शिक्षा समिति के अध्यक्ष है। विक्रम सिंह जी आपका बहुत स्वागत है। सवाल ये कि जो इस तरीके से बच्चों का ब्रेन वॉश किया जा रहा है वो किस हद तक सही है और ये अधिकार किसने दिया? देखिए जो जानकारी मुझे चैनल के माध्यम से मिली है, ये प्राथमिक शाला भरारी बिल्हा विकास खंड में आता है। वहाँ प्राइमरी के बच्चे, छोटे छोटे बच्चे हैं, 7-8-9 साल के बच्चे हैं, उनको अगर ऐसा बोला जा रहा है तो वो गलत है। जिस शिक्षक के द्वारा भी बोला गया होगा बहुत ही गलत है, निश्चित रूप से उनके ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई होगी। ये अभी कल तो छुट्टी है, ये प्रिंसिपल साहब है जिनका नाम रतन लाल बताया जा रहा है, और ये तमाम जितने भी बच्चे स्कूल में पढ़ने जाते हैं उनको शपथ दिलवा रहे हैं कि विष्णु या राम या कृष्ण जैसा कोई है ही नहीं इस धरती पर, या ना पहले कभी था, इनको मानना और इनकी पूजा करना पागलपन है। क्या ये क्या सही है इस तरीके से किसी भी हिंदू देवी देवताओं के बारे में कहना? ये अधिकार किसने दिया उन्हें? ये बहुत गलत है, किसी भी धर्म के खिलाफ आप नहीं बोल सकते, और खासकर सरकारी स्कूल के नाबालिग बच्चों को ऐसा बोला गया है वो एकदम गलत है। किसी भी की भावना को ठेस आप नहीं पहुंचा सकते, ये अधिकार आपको नहीं मिला है, निश्चित रूप से उनके ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई होगी। ब्रजमोहन अग्रवाल जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। ब्रजमोहन अग्रवाल जी आपका बहुत स्वागत है न्यूज 18 पर। ब्रजमोहन अग्रवाल जी, एक स्कूल है जो कि भरारी में पढ़ता है, वहां के प्रिंसिपल का वीडियो सामने आया जहां वो कुछ बच्चों का ब्रेन वॉश करते हुए नजर आ रहे हैं, शायद आपने भी वो वीडियो देखा होगा, क्या कहेंगे? खुलेआम धर्मांतरण का खेल। देखिए कुछ ऐसे लोग हैं जो मर्यादाओं का पालन नहीं करते हैं और जो शिक्षा को भी एक विशेष धर्म के प्रति बच्चों को परिवर्तित करने का काम कर रहे हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ में कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी और हमने जांच के निर्देश दे दिए हैं और शीघ्र ही उन पर कार्रवाई होगी। 22 जनवरी का ये वीडियो बताया जा रहा है ब्रजमोहन जी, और आज 27 जनवरी है, कुछ लोगों को तो इस बारे में पता ही नहीं। अभी मैंने बात किया डीईओ से, उन्हें नहीं पता इस बारे में, टीआर साहू साहब को, हालांकि और भी लोगों से बातचीत हो रही थी तो बहुत से लोगों को इस बारे में जानकारी ही नहीं। एक शिक्षा मंत्री होने के नाते कार्रवाई किस तरह की जाएगी आगे, आपसे जानना चाहूंगी। देखिए उनको, उनके खिलाफ में हम कड़ी कार्रवाई करेंगे, हमारे को जानकारी समाचार पत्रों के माध्यम से मिली, हमने जांच के निर्देश दे दिए हैं और जांच में जो भी स्थिति सामने आएगी उसमें हम कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे। वहां पर बच्चों के पालकों ने भी विरोध प्रदर्शन किया है, ये भी हमारी जानकारी में आया है, और इसकी जांच कर हम शीघ्र कार्रवाई करेंगे। बीते कुछ दिनों से लगातार ऐसे मामले सामने आ रहे हैं जिसमें कि धर्मांतरण के लिए कई जरिया निकाला जा रहा है, कुछ लोग अपने घरों में ही धर्मांतरण करा रहे हैं तो कुछ जगह पर स्कूल में आप देख रहे हैं। बतौर शिक्षा मंत्री आप स्कूलों में किस तरीके से इसमें सुधार लाने की कवायद तेज करेंगे और कैसे जागरूकता इसको लेकर फैलाएंगे? हम निश्चित रूप से, हमने तय किया है कि आने वाले सेशन से हम बच्चों को आध्यात्मिक शिक्षा भी देंगे, बच्चों को नैतिक शिक्षा भी देंगे, बच्चों को हम योगा प्राणायाम भी करवाएंगे, और उसके माध्यम से जो लोग धर्म विशेष के प्रचार करने के लिए, जिन लोगों ने इस प्रकार का काम किया है या करते हैं या करेंगे, उनके खिलाफ में कठोर से कठोर कार्रवाई होगी। एक और सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगी ब्रजमोहन जी, जो ये बेधड़क बिना डरे और बिना कुछ सोचे धर्मांतरण करा दिया जाता है और स्कूल में बाकायदा हम देख रहे हैं कि जिस तरीके से बच्चों को ब्रेन वॉश किया जा रहा है बच्चों का, आप इसके पीछे की वजह क्या समझते हैं? देखिए कुछ लोग हैं जो भारत की संप्रभुता को चैलेंज करते हैं, जो भारत के अध्यात्म को चैलेंज करते हैं और एक धर्म प्रदेश के प्रति लगाव रखते हैं, और वो सरकारी तनख्वाह पाकर और बच्चों को गुमराह करने की कोशिश करते हैं, तो ऐसे जो लोग भी हैं वो सचेत हो जाएं भविष्य में उनके खिलाफ में, क्योंकि पूर्व के शासन में उनको प्रोत्साहित किया गया और इसलिए इतनी हिम्मत कर रहे हैं, अब आने वाले समय में वो इतनी हिम्मत नहीं कर पाएंगे। वैसे बीजेपी सोशल मीडिया के लिए काफी एक्सपर्ट मानी जाती है और आज का जो पूरा युवा है वो सोशल मीडिया से काफी ज्यादा जुड़ चुका है, सोशल मीडिया के जरिए क्या कोई विशेष अभियान चलाएंगे आप? निश्चित रूप से हम अभियान चलाएंगे, अभियान चलाकर कि जो लोग भी ऐसा कृत्य कर रहे हैं उनकी शिकायत करें,
और जो भी शिकायत प्राप्त होगी उनके खिलाफ में कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। बहुत शुक्रिया ब्रजमोहन जी, आप हमारे साथ जुड़े, आपने अपनी बात रखी और बहुत अच्छा लगा, आपने समय दिया और जिस तरीके से कार्रवाई की बात ब्रजमोहन जी करते हुए नजर आ रहे थे, वाकई में सवाल कई उठते हैं इस पूरे मामले में कि आखिर यह अधिकार किसने दिया है। और जिस तरीके से स्कूल में बच्चे पढ़ने जाते हैं, वहां पर पढ़ाई की बजाय धर्मांतरण का जो ये खुला खेल चल रहा है, इस पर अब कार्रवाई की बारी है। उमेश संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। उमेश, ये पूरा मामला जो विस्तार से हमने अभी दिखाया, भी दर्शकों को पूरा वीडियो दिखाया है बकायदा, एक स्कूल में किस तरीके से ब्रेन वॉश किया जा रहा है, किस कदर किया जा रहा है, विस्तार से बताइए कि यहाँ पर कितने कक्षा तक जो है बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए और एक ही बार का क्या ये वीडियो है? हालांकि पहला वीडियो सामने आया 22 जनवरी का, जो है 22 जनवरी का है, ये वो 22 जनवरी है जब पूरा देश भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा में लीन था। तो दूसरी तरफ रतनपुर यानी कि बिलासपुर के रतनपुर के शास्त्री प्राथमिक शाला का जो शिक्षा का पुजारी है और रतनलाल सरोवर, वो बच्चों का ब्रेन वॉश कर रहा था भगवान के नाम पर, वो बच्चों को उनके खिलाफ भड़का रहा था और ये कह रहा था, आप वीडियो में भी साफ तौर पे सुन सकते हैं कि किस तरीके से ना भगवान राम भगवान कृष्ण जो देवी देवता हिंदू देवी देवता, उनको नहीं मानने की प्रतिज्ञा दिलाई जा रही थी। निश्चित रूप से एक बड़ा मामला था और ये वीडियो आज जो कि अब न्यूज 18 के हाथ लगा और इसे प्राथमिकता से दिखाया गया और इसके साथ ही उन लोगों से जो जनप्रतिनिधि उनसे भी जानकारी जुटाई गई, तो इस पूरे मामले पर ये सच निकल कर सामने आया कि ये पहला मामला नहीं है उस शिक्षक के द्वारा इस तरीके से हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ बच्चों को भड़काना या उनके खिलाफ भड़काना, इस तरीके का ये पहला मामला नहीं था। इससे पहले भी और कई मामले आ चुके हैं जिसकी शिकायत भी हो चुकी है, लेकिन इस तरफ कोई एक्शन नहीं लिया। यही वजह है कि एक बड़ा बड़ी इस पूरी योजनाबद्ध तरीके से 22 तारीख का इन्होंने दिन चुना और यह बताने की कोशिश की कि प्राण परिजनों में बहुत ज्यादा गुस्सा है। ग्रामीणों का सवाल यह है, परिजन का सवाल यह है कि हम तो बेसिक शिक्षा के लिए बच्चों को भेजते हैं स्कूल ताकि उन्हें बेसिक चीजें पता रहे, जो सब्जेक्ट है उसके आधार पर पढ़ाया जाए, लेकिन ये तो आउट ऑफ सिलेबस चीजें पढ़ाई जा रही हैं। अब परिजनों का क्या कहना है उमेश? जनप्रतिनिधि और प्रतिनिधियों से हमारी बात हुई है, उनका ये कहना है कि इस वीडियो के आने के बाद उनमें तो एक आक्रोश है कि उनके देवी देवताओं के खिलाफ गलत तरीके से शिक्षा के मंदिर में इस तरीके से पाठ पढ़ाया जा रहा है एक शिक्षक के द्वारा, उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। लिहाजा चूंकि आज देर शाम तक के ये स्थिति निर्मित हुई थी, जो ग्रामीण है वो आक्रोशित थे, जनप्रतिनिधि थे वो आक्रोशित थे इस मामले को लेकर। अब जो है कल इस पूरे मामले की शिकायत जो है थाने में पहुंचेगी और इस जो उक्त जो टीचर है रतन लाल उसके खिलाफ कार्रवाई की मांग की जा रही है। फिलहाल देखना यह होगा, जिस तरीके से शिक्षा मंत्री ने भी यह कह दिया है कि अगर उसने इस तरीके की कार्रवाई कारनामा किया है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अब यह देखना होगा कि किस तरीके से आगे इस पूरे मामले पर कार्रवाई होगी। चलिए, बहुत शुक्रिया उमेश जानकारी साझा करने के लिए। तो खुलेआम जो जिस धर्मांतरण की तस्वीर हमने आपको दिखाई है, वीडियो पूरा हमने बकायदा आपको दिखाया, इस पर अब कार्रवाई की बात सामने आ रही है। 22 जनवरी का ये पूरा मामला बताया जा रहा है जो अब खुलकर सामने आया और ब्रजमोहन अग्रवाल जी जो कि शिक्षा मंत्री हैं वो भी हमारे साथ जुड़े थे और उन्होंने बताया कि कार्रवाई की अब बारी है। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे रायपुर की। 1000 लोगों की घर वापसी हुई है, बागेश्वर बाबा की सभा में लोगों ने घर वापसी की है, कई मुस्लिम परिवारों ने हिंदू धर्म अपनाया है, शेख शमीम बबलू बन गए हैं तो मोहम्मद अकबर सत्यम बने हैं, हिंदू धर्म में आस्था अपनाया और साथ ही सनातन धर्म को भी अपनाया है। कई लोग जिन्होंने अपना धर्म छोड़ दिया था किसी कारणवश और दूसरे धर्म को अपनाया था वो घर वापसी कर चुके हैं। रायपुर में पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की कथा में छत्तीसगढ़ में धर्मांतरित कर चुके कई परिवारों ने सनातन धर्म में वापसी की। बीजेपी नेता प्रबल प्रताप सिंह जूदेव के नेतृत्व में घर वापसी से पहले पूजा पाठ के जरिए शुद्धिकरण कराया। इस मौके पर बीजेपी नेता जूदेव ने कहा कि सनातन धर्म को टारगेट करने के लिए विदेश में षड्यंत्र हो रहा है। उन्होंने कहा कि धर्मांतरण से सामाजिक संतुलन पर भी असर पड़ता है, लालच देकर और गरीबों की मजबूरी का फायदा उठाकर धर्मांतरण करवाना गलत है। ये जो षड्यंत्रकारी शक्तियां हैं ये प्लानिंग के माध्यम से धर्मांतरण करती हैं, सेवा के नाम पे सौदा, चंगाई माध्यम से इनको इनका ब्रेन वॉश करते हैं,
हिंदू देवी देवताओं के बारे में अपमानजनक बातें बोल करके इनको अपने धर्म से भटका करके ये का धर्मांतरण करते हैं। लोकसभा चुनाव आने वाला है और हम इस धर्मांतरण को कम्प्लीटली इलीगल बनाएंगे। बहुत गंभीर ये समस्या है और इसको जड़ से हम उखाड़ फेंकेंगे। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री लगातार धर्मांतरण कर चुके लोगों की घर वापसी करा रहे हैं। पिछले साल भी रायपुर में कथा के दौरान दूसरे धर्म के लोगों की घर वापसी उन्होंने करवाई थी। वही प्रबल प्रताप सिंह जूदेव अपने पिता के कामों को छत्तीसगढ़ में आगे बढ़ा रहे हैं। जूदेव भी आदिवासी समुदाय के लोगों की घर वापसी का अभियान चला रहे हैं। उनके पिता दिलीप सिंह जूदेव इसी तरह चरण पखारकर जनजाति समाज के उन लोगों की मूल धर्म में वापसी करवाते थे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। इधर छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में धर्मांतरण को लेकर बवाल हो गया। हिंदू संगठनों को जानकारी मिली तो वहां पर हिंदू संगठन के कुछ लोग पहुंच गए और धर्मांतरण को रोका गया, तो दूसरी तरफ मुंगेली में भगवा ध्वज को फाड़ने को लेकर हंगामा हुआ। ये दोनों ही मामले आपको विस्तार से एक रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। रायगढ़ शहर के सावित्री नगर में किराए के मकान में धर्मांतरण का मामला सामने आया, जिसकी भनक बीजेपी पार्षद, बीजेपी कार्यकर्ताओं, बजरंग दल को मिलते ही सभी मौके पर पहुंचे और विरोध किया, जिसके बाद जमकर मारपीट हुई। मामले की सूचना मिलते ही पुलिस तत्काल मौके पर पहुंचती है और धर्मांतरण करवा रहे कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया। तो मुझे तुरंत सूचना प्राप्त हुई कि यहाँ पर धर्म प्रदर्शन कार्यक्रम चल रहा है, तो मैंने तुरंत सीएसपी साहब को और जूट मिल टीआई को मैंने फोन किया और वो लोग तुरंत कार्य उनके पहुंचने से पहले हम लोग एक दो पार्षद और 8-10 कार्यकर्ता मिल के हम लोग जब यहाँ पहुंचे तो ऊपर में पूरा टीवी डीवीडी सब चल रहा था और टोटल वहाँ पर जितने लोग थे 100% हिंदू लोग थे, उनका आधार कार्ड वेरिफिकेशन कराया जाएगा तो 100% हिंदू ही निकलेंगे और उसमें से हमने पूछा गया तो भी वो लोग हिंदू हैं बोले और उनको पूरा ड्रेस पहनाकर उनके साथ यानी उनको प्रेयर कराया जा रहा था। 6-7 लोग थे बाहर के जो अपने कुछ धर्मग्रंथ का प्रचार प्रार्थना कर रहे थे, तो अभी उनको लेकर थाना जा रहे हैं और वहाँ पर पूछताछ होगी। पूछताछ के बाद जो भी पाया जाएगा उसके खिलाफ फिर उसके अनुसार से फिर कार्रवाई। मुंगेली के लोरमी में भगवा झंडे के अपमान को लेकर हिंदू संगठन के लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। घटना से नाराज लोगों ने डिंडौरी पुलिस चौकी का घेराव कर जमकर नारेबाजी की। सड़क पर रस्सी से बांधे गए भगवा झंडों को फाड़ने की करतूत सीसीटीवी में कैद हुई। कुछ असामाजिक तत्वों ने डीजे पर चढ़कर डिंडौरी गांव में लगे भगवा झंडों की रस्सी तोड़ दी, जिसका आरोप 6 युवकों पर लगा, जिसका स्थानीय लोगों ने ही विरोध किया। वही मामला बढ़ने पर पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। और चलिए एक नजर डालेंगे टॉप